Students, I am Yuranu ma'am. Hope you are doing well. In previous video, we learned question number 5 from exercise 15.1. In this video, we will solve question number 6 from exercise 15.1. Now question number 6. A bag contains 11 flavor candies only. Mallory takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out first part of the question an orange flavor candy, second part of the question a lemon flavor candy? इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि एक बैग में सिर्फ 11 फ्लेवर कैंडीज है। मालिनी बिना देखे हुए उस बैग से एक कैंडी को बाहर निकालती है, तो हमें ये बताना है कि वो निकाले गए कैंडी से एक ऑरेंज फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या है। साथ में हमें ये भी बताना है उस निकाले गए कैंडी से एक लेमन फ्लेवर कैंडी की प्रोबेबिलिटी क्या है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इस ओनली पे ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर ओनली को अलग कलर कर दियो। तो जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो माइनूटली पढ़ो, ओके? और यदि आप इस ओनली को स्किप कर देते हो तो आंसर इसका गलत आ जाएगा, ओके? और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला को याद रखना होगा, और वो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। Suppose there are X candies in the bag. क्योंकि बैग में कैंडीज के नंबर कितने हैं ऐसा नहीं बताया गया, तो हम लोग मान लेते हैं कि बैग में X कैंडीज हैं, ओके? The bag contains lemon flavored candies only. इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। Therefore, number of orange flavored candies in the bag equals to zero. क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज ही हैं। And the number of lemon flavor candies in the bag equals to X. क्योंकि हमने क्या माना कि बैग में X candies हैं, और बैग में यदि X candies है तो lemon flavor candies कितने हो जाएंगे X. अब हम लोग पार्ट वाइज प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एज द नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज इन द बैग इज जीरो, देयरफॉर इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। ऑब्वियसली यदि बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज की पॉसिबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे, और वो फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। जब भी आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आप फॉर्मूला को इस तरह से हाईलाइट कर देंगे, ओके? अब हम लोग इस फॉर्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। Therefore, probability of orange flavor candies, चूंकि यहाँ पर E लिखा है और इवेंट हमारा है orange flavor candies, तो हम लोग इसीलिए इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। Probability in bracket orange flavor candies equals to 0 upon X, and this equals to 0, क्योंकि orange flavor candies के favorable outcomes 0 है, इसलिए 0, and divided by X, क्योंकि हमने माना है कि बैग में X candies हैं, ओके? और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0. यानी कि फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 0. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एज द नंबर ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडीज इन द बैग इज एक्स, जैसा कि हमने माना है द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू लेमन फ्लेवर कैंडीज इक्वल्स टू एक्स। क्योंकि हमने क्या माना कि बैग में एक्स कैंडीज है, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडीज है, इट मीन्स बैग में एक्स कैंडीज लेमन फ्लेवर के हैं। अब हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू को पुट कर देंगे। चूंकि टोटल आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट हो जाएगा X, एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होगा X, क्योंकि बैग में X कैंडीज है, इसलिए हम लोग यहाँ पर X अपॉन X लिख रहे हैं, एंड दिस इक्वल्स टू 1, इट मींस सेकंड पार्ट के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर करें। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे के वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।